नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाह न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज कैनबरा में है। ऐसे में दोनों टीमें मजबूत स्थिति में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्थिति दो मैच जीतकर सीरीज में पहले ही यह मुकाबला जीत लिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत को वापसी करने के लिए आखिरी मुकाबला है जहां पे वो कई चेंजेस के साथ टीम में उतरेंगी। विराट कोहली ने पहले ही कहा था कि जिस तरह से हमने पिछले दो मुकाबले खेले हैं, हमारी गेंदबाजी लाइनअप काफ़ी ख़राब थी, लेकिन हम तीसरे मुकाबले में वापसी करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आज के मुकाबले में चेंज देखे जा सकते हैं, जहाँ पर डेविड वार्नर चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं, तो वहीं उनके गेंदबाजी में भी पैट कमिंस को आराम दिया गया है आगे आने वाले मैचों के लिए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम भी आज दो बदलाव के साथ उतरने वाली है। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में मयंक अग्रवाल के जगह पे आज केएल राहुल को ओपनिंग कराया जा सकता है, और साथ ही मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे या फिर शुभमन गिल को किसी एक बल्लेबाज मौका दिया जा सकता है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम में गेंदबाजी में भी आज चेंजेस की संभावना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहां अगर स्पिनर की बात करें तो युजवेंद्र चहल के जगह पर कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है। तो ये गेंदबाजी जो फास्ट अटैक है वहाँ पे नवदीप सैनी की जगह पे टी नटराजन को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में साफ कह सकते हैं कि तीसरा और आखिरी मुकाबला भारतीय दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि पिछले दो मैच लगातार हारने के बाद इस मुकाबले को भारत जीत कर कम से कम अपनी लाज बचाएं, क्योंकि पिछले 2020 की बात करें तो भारत ने अब तक 5 वनडे मैच खेले हैं और 5ों में हार झेलनी पड़ी है। तो इस मुकाबले में भारतीय टीम चाहेगी, विराट कोहली की टीम चाहेगी कि इस मैच में वापसी करें और जो पिछले दो मैचों का दर्द है, हार का गम है, उस गम को भुलाएं और भारतीय टीम वापसी करते हुए सीरीज़ में अपनी लाज बचाएं और 2-1 पर यह सीरीज़ ख़त्म करें।